ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनपुट इनमें से एक इनपुट ले लिया, लेट्स टेक करंट ले लिया। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ। इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भाई साहब पॉइंटर भाई साहब मूव करने लग गए। उस मूवमेंट को स्केल पे नोट कर लिया, इंडिकेट कर दिया, सामने वाले को बता दिया। यस, तो एक और चीज यहां पे देखना है, और वो चीज है कि ये जब भी पॉइंटर मूव करेगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं टॉर्क या फोर्स, दोनों में से कुछ भी बोल लो। टॉर्क की यदि बात करूंगा तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फोर्स के टर्म में बात करोगे तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्स। यानी कि कोई सा भी पॉइंटर मूव करेगा ना, तो क्या क्या लग रहा है उस पर? उस पर पक्का एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है। इनपुट क्वांटिटी के कारण इनमें से कोई एक लोचा हुआ, सपोज मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ। इस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण पॉइंटर पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, वही ना उसको मूव करवाएगा। क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है, इनपुट दिया, पॉइंटर मूव कर रहा है। तो अपन अंदर की कहानी समझ रहे हैं, इनपुट से उसके डिफ्लेक्शन के बीच बीच में क्या होता है उसकी बात समझ रहे हैं। इनपुट से इनमें से कोई एक लोचा होगा, इस लोचे की वजह से कौन जनरेट होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा पॉइंटर पे, पॉइंटर क्या हुआ? भागा। जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा पॉइंटर भागा, पॉइंटर भागा, स्केल पे रीडिंग दे दिया। समझा क्या? चलिए प्यारे बच्चे, तो अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। आपने इसको करंट दिया, कोई सा एक इफेक्ट हुआ, इस इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से भाई साहब, डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से पॉइंटर भाई साहब 0 से सपोज 7 एम्पियर पे आ गए। अब आप सपोज इनपुट सप्लाई बंद कर दो, आप सपोज आप इनपुट सप्लाई बंद कर दो तो इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो टाउ डी भी 0 हो जाएगा। तो 7 एम्पियर पे भाई साहब रेस्ट करेंगे क्या पॉइंटर? ऐसा होता है क्या कि एमिटर पे आपने 10 एम्पियर का करंट मेजर किया, 10 एम्पियर जैसे सर्किट में लगाया उसने डिफ्लेक्शन कर दिया, अब आप जैसे ही स्विच ऑफ करते हो क्या 10 एम्पियर ही शो करता रहेगा एमिटर? नहीं, वो अपने आप को वापस 0 पे ले आता है, इनिशियल पोजिशन पे ले आता है। यानी कि कोई एक और बंदा, एक और अदृश्य फोर्स काम कर रहा है ना। हाँ, एक और फोर्स काम कर रहा है इस पे, और वो है कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग फोर्स, जो कि इसके जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। अपोजिट काम कर रहा है, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग फोर्स। आई बात समझ में? देखो जरा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ आपको समझाने के लिए। कि सपोज ये एक पॉइंटर है, सपोज ये एक पॉइंटर है, तो इस पॉइंटर को मूव करवाने के लिए इस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम कर रहा है। इसको वापस 0 पोजीशन पर लाने के लिए इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि आपने कंट्रोल करने के लिए भी कुछ जुगाड़ बनाया है। सिर्फ डिफ्लेक्शन के लिए जुगाड़ नहीं है, सिर्फ डिफ्लेक्शन के लिए लोचा वाला जुगाड़ नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी जुगाड़ है। क्यों क्यों कंट्रोल करना? अरे, आपको ऐसा समीकरण बनाना पड़ेगा, ऐसा मैकेनिज्म बढ़ाना पड़ेगा जिसमें जब इनपुट दिया, इफेक्ट हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन जैसे डिफ्लेक्शन टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई, ये पुनः अपनी कंडीशन पे आना चाहिए ना। तो कौन लेके आएगा? आपका कंट्रोलिंग टॉर्क लेके आएगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो कैसे देते हैं हम? सबसे बेहतरीन जो है वो है स्प्रिंग कंट्रोल। यानी कि एक स्प्रिंग से ये जो है बंधा रहेगा, पॉइंटर अटैच्ड रहेगा, पॉइंटर अटैच्ड रहेगा। जब भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगी, यानी कि स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई ना। जैसे ही डिफ्लेक्शन गया, स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे है ना। तो कंट्रोलिंग टॉर्क किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग के लिए जो सबसे पहली कहानी थी वो थी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरी हो गई कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है। अब क्या होता कि जहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क होता, जहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे, वहां पे पॉइंटर क्या हो जाता है? रुक जाता है। वहां पे पॉइंटर क्या हो जाता है? रुक जाता है। सपोज इस मीटर के लिए 7 एम्पियर करेंट पे आपके पॉइंटर भाई साहब रुक गए।
आपके पॉइंटर भाई साहब रुक गए, इसका मतलब कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉक और कंट्रोल टॉक एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, तो पॉइंटर एक्चुअल में क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉक कंट्रोलिंग टॉक एक दूसरे के बराबर, तो पॉइंट रुक तो जाता है लेकिन वो क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, ऑसिलेशन करता है, माइन्यूट से ऑसिलेशन करता है, माइन्यूट से क्या करता है, ऑसिलेशन करता है ना, क्योंकि इन जनरल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो पक्का ऑसिलेशन विल बी देयर, बराबर। तो माई डियर फ्रेंड्स, जब ये अपनी पोजीशन पे, यानी कि टाउ डी इक्वल टू टाउ सी पे, जब ये अपनी स्टेबल कंडीशन में आएगा, ये स्टेबल कंडीशन में आएगा, तो उस स्टेबल कंडीशन में ये ऑसिलेशंस करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस करेगा। तो उन ऑसिलेशंस के रोकने के लिए इस पे एक और टॉक काम करेगा, एक और फोर्स काम करेगा, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। इनका इन ऑसिलेशंस को बंद करने के लिए आपको एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टॉर्क। समझ में आ गए, तो मीटर के अंदर की कहानी चल रही है अभी भी, कोई सा भी मीटर बनाना है ना, इनपुट रहेगा एक केमिकल लोचा होगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होगा, उसकी वजह से टाउ डी प्रोड्यूस होगा, टाउ डी की वजह से डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन साथ साथ मीटर में पॉइंटर में तीन फोर्स काम करते हैं एक साथ। नंबर एक हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉक, दूसरा हो गया कंट्रोलिंग टॉक, और तीसरा हो गया डैम्पिंग टॉर्क। तीन टाइप के टॉक काम करते हैं, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपके डैम्पिंग टॉर्क को। सबसे पहले आप देखिए डैम्पिंग टॉर्क, आपकी हेडिंग लिख लीजिए डैम्पिंग टॉर्क। सो डैम्पिंग टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। ठीक है, और डैम्पिंग टॉर्क जो है ये है भाई साहब आपके इनपुट क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल, जो भी इनपुट हो, जो भी इनपुट क्वांटिटी हो ये उसके प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि इनपुट की वजह से डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इनपुट की वजह से डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होने के ये इफेक्ट हो सकते हैं, इनकी वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, हॉल इफेक्ट हो सकता है। तो कुल मिला के डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से इनपुट होता है। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से पॉइंटर में क्या होता है, मूवमेंट होता है। आ गई बात समझ में, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। नाउ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या काम है, नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी, लिखने की नीड नहीं है। कंट्रोलिंग टॉर्क का आपका क्या काम है कि जो आपका पॉइंटर मूव जो कर रहा है, जो आपका पॉइंटर जो मूव किया है उसको वापस उसकी जगह पे लेके आना, यानी कि डैम्पिंग जो आप ले रहे हैं वो अगेंस्ट कंट्रोलिंग टॉर्क ले रहे हैं, बराबर है। जहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर आपका पॉइंटर स्टेबल कर जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, यात्रा विराम हो जाएगा, है ना। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान से सुनिए ज़रा, आपका इंस्ट्रूमेंट हो और उसमें यदि पॉइंटर हो, तो इस पॉइंटर को आप जो कंट्रोलिंग टॉर्क देते हैं वो दो टाइप का होता है, या तो आप इसे स्प्रिंग कंट्रोल कर लें, एक तो स्प्रिंग कंट्रोल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कौन सा है, स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, फॉस्फोरस ब्रोंज की ये स्प्रिंग बनी होती है ताकि हीटिंग इफेक्ट इसमें ना हो। तो इस स्प्रिंग की वजह से इसमें क्या हमेशा लगा रहता है, कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा लगा रहता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक मेथड है स्प्रिंग से, और दूसरा है आपका ग्रेविटी कंट्रोल। प्यारे बच्चे, ग्रेविटी कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल मतलब ये, स्प्रिंग कंट्रोल तो समझ में आ गया, देर विल बी स्प्रिंग फॉर द कंट्रोलिंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, यदि आपके पास ग्रेविटी कंट्रोल होगा तो वो कैसा काम करेगा ये देखना जरा। ये रहा फिगर आपके ग्रेविटी कंट्रोल का। तो इसमें क्या होता है कि पॉइंटर के साथ एक वेट को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, अब यदि ये पॉइंटर मूव करने की कोशिश करेगा तो साथ में ये पॉइंटर भी, ये जो स्पिंडल है जिससे कि ये पॉइंटर कनेक्टेड है, यहाँ से आपने इस कंट्रोल वेट को भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
अब एक कंडीशन में मानता हूँ कि ये पॉइंटर सपोज उठ के यहाँ आ गया, लेट्स टेक इट यहाँ, ठीक है, ये पॉइंटर उठ के यहाँ पे आ गया। तो पॉइंटर उठ के यहाँ आया तो ये भाई साहब जो हैं आपके ये वाले, ये भी उठ के इधर आएंगे, यस और नो? ये भी उठ के, ये वेट है अपना, ये उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो आपका इसका जो वेट है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी के कारण इसका जो वेट है वो यहीं पे, ये अपने आप को खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ग्रेविटी के कारण ना ये इधर जा सकता है ना ये इधर जा सकता है, बिकॉज कंटिन्यूसली 24 आवर्स इस पर ग्रेविटी लग रही है ना। तो अब आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये पॉइंटर यहाँ आया, तो ये जो वेट है ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा। तो यानी कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये जो पॉइंटर है ये हमेशा क्या फील कर रहा है, एक फोर्स फील कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क फील कर रहा है, यस और नो? यस और नो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यदि ये थीटा से डिफ्लेक्शन हुआ, यदि थीटा से डिफ्लेक्शन हुआ तो देखो आप ये जो इसका फोर्स है इसको भी रिजोल्व कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है W, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा है या नहीं बताइए मुझे, ये भी थीटा है या नहीं? मतलब ये लाइन, ये जो लाइन है और इसके लाइन के बीच का जो एंगल है वो थीटा हुआ या नहीं? अरे जिस एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ उसी एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यस और नो? तो देखो जरा ये लाइन मैंने एक्सटेंड करी और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये भी थीटा हो गया। अब मान लो मैं इसको रिजोल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है, इसको मैं यदि रिजोल्व करूँ तो इसको रिजोल्व करने के बाद ये क्या बन जाएगा इधर, डब्ल्यू कॉस थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा इधर, ये बन जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये, इसकी वजह से ये इधर आना चाहेगा, ये डब्ल्यू साइन थीटा फोर्स इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है, यस और नो? अब इस स्पिंडल पे टॉर्क की यदि बात करें, इस पर टॉर्क की यदि बात करें जो टाउ सी है आपके कंट्रोलिंग टॉर्क, वो क्या हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है और ये डिस्टेंस कितनी है, सपोज एल डिस्टेंस है तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स है आपका डब्ल्यू साइन थीटा और गुणा एल, सो डब्ल्यू यदि आप इसको एम जी लिखना चाहें तो एम जी एल साइन थीटा, है ना। तो यानी कि इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, जितना ज़्यादा थीटा होगा इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। तो स्प्रिंग में जो टाउ सी है ना वो होता है के थीटा, और यहाँ पे आपका ग्रेविटी कंट्रोल में टाउ है ना वो है के साइन थीटा। ये के, ये जो कांस्टेंट मीटर में जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास, लाइक एमजीएल की वैल्यू के हो गई यहाँ पे। आगे बात समझ में, तो ये ग्रेविटी कंट्रोल कैसे, क्या एक ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन देना था वो मैंने आपको दे दिया। अब आप देखिए स्प्रिंग जब था तो ग्रेविटी कंट्रोल क्यों यूज़ किया, और ग्रेविटी स्प्रिंग के क्या डिसएडवांटेज, ग्रेविटी के क्या एडवांटेज? देखो प्यारे बच्चे, स्प्रिंग आप किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं तो स्प्रिंग बेस्ट है, बेस्ट है इन द सेंस कंट्रोलिंग टॉर्क यदि स्प्रिंग वाला प्रोड्यूस करना है तो बेस्ट है आपके सामने। लेकिन स्प्रिंग के साथ ये परेशानी है क्योंकि स्प्रिंग को आप एक मटेरियल का बनाओगे तो स्प्रिंग टेम्परेचर से अफेक्ट करेगा, वो जो मटेरियल है वो टेम्परेचर से अफेक्ट करेगा, बार बार टेम्परेचर से अफेक्ट करना मतलब जो उसकी स्टिफनेस है, स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, मतलब हर बार स्प्रिंग एक जैसा कंट्रोलिंग टॉर्क फिर नहीं दे पाएगी, बोले तो लूज हो जाएगी, एजिंग इफेक्ट हो जाएगा, एज के साथ स्प्रिंग जो है ना डिस्टॉर्ट होगी, खुद को ओरिजिनल जैसी शुरू में बनाई है ऐसी लास्ट तक स्प्रिंग नहीं रहेगी, एजिंग इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट है। तो टेम्परेचर इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंग बनाई जाती है। तो स्प्रिंग कंट्रोल ज़्यादा बेस्ट है ग्रेविटी कंट्रोल से, बिकॉज स्प्रिंग कंट्रोल की इस परेशानी को दूर करने के लिए कि उसमें एजिंग इफेक्ट है आपने लगा दिया ग्रेविटी कंट्रोल। अब ये वेट कुछ भी कर लो, कितना भी टाइम ले लो, इस वेट का कुछ ना होना है, ना जाना है, ना एजिंग इफेक्ट है, ना टेम्परेचर इफेक्ट है, तो वो बात तो ठीक है भाई, बट ग्रेविटी कंट्रोल को सिर्फ वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकते हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने उस इंस्ट्रूमेंट को सुला दिया तो सुलाने के बाद इसका तो महत्व नहीं बचा ना, वेट का महत्व कब तक है, जब तक वो वर्टिकल है, उसको आपने ऐसे कर दिया
वेट को ऐसा कर दिया तो फिर इस पॉइंटर पे तो उसके फोर्स का कोई मतलब नहीं रहा ना। ये पॉइंटर है, यहाँ पे वेट अटैच्ड है, ये हुआ तो वेट भी अटैच हुआ, तो ये वेट वापस लेगा। अब इसको ऐसा कर देंगे तो अब हर एक का फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो है ग्रेविटी होनी चाहिए तो कुछ काम करें। तो ग्रेविटी जो है कंट्रोल है ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ हो सकता है, ये इसका ड्रॉबैक हो गया भाई। जरूरी थोड़ी ना आप इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ वर्टिकल रखोगे, तो ये बड़ा एक थिन लाइन है सिस्टम में। नाउ एक और बात ये हो गई कि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा है, और ग्रेविटी में जो है वो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। तो यानी कि इसमें जो है लीनियर रिलेशन है, इसमें नॉन लीनियर रिलेशन है ना। तो जहाँ भी स्केल लीनियर पाई जाती है, जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी स्केल लीनियर है वहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ करेंगे, जहाँ पे नॉन लीनियर है वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ओके। तो ये एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया ना आपको। अब देखो जरा ध्यान से, ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई, ये किसके अंदर हमने पढ़ी, कंट्रोलिंग टॉर्क के अंदर पढ़ी ना। स्प्रिंग के साथ एक और लफड़ा ये था, मान लो स्प्रिंग टूट जाए, काम करते करते स्प्रिंग यदि टूट गई तो फिर कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो बड़ा केयरफुल उसमें रहना पड़ता है, ठीक है ना। एक और फोर्स जो मीटर में काम कर रहा है वो फोर्स है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, नॉट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से इसको भी देखो जरा, एक डैम्पिंग फोर्स के मैं बात कर रहा हूँ। तो डैम्पिंग फोर्स आपका ये पॉइंटर करेगा मूव, तो इस पॉइंटर की मूव करने से एक ऐसा एक सिस्टम अटैच्ड है एक पिस्टन टाइप का, कि ये पिस्टन जाएगा अंदर और इस पिस्टन में आपकी भरी हुई है एयर, तो एयर क्या होगी, कंप्रेस होगी, क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो इसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ भी रुकेगा तो एयर अपनी इनिशियल पोजीशन से कंप्रेस हो जाएगी, तो इस कंप्रेशन की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, स्मॉल फोर्स। अब वो स्मॉल फोर्स जो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है उसको रोक देगा, तो वाइब्रेशन ही ना रोकना है। तो जब इस पिस्टन में, इस सिस्टम में आप अंदर यदि एयर यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं एयर डैम्पिंग, क्या बोलते हैं, एयर डैम्पिंग। जब आप इसमें कोई सा भी फ्लूइड या करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग या फ्लूइड डैम्पिंग, ठीक है। एयर की बजाय यदि आप फ्लूइड भरोगे तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर है तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है प्यारे बच्चे। अब जहाँ पे इन दोनों से यदि कंपेयर करूँ कौन मोस्ट इफेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है फ्लूइड वाला ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि एयर तो आसानी से दब जाएगी लेकिन फ्लूइड को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगता है, तो वो पावर भी एग्जर्ट ज़्यादा करेगा। तो यदि इफेक्टिवनेस की यदि बात करूँ, इफेक्टिवनेस की यदि बात करूँ तो जो फ्लूइड डैम्पिंग है आपकी, फ्लूइड डैम्पिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू कौन सी, आपकी एयर से, ठीक है। आपकी जो एयर डैम्पिंग है उससे ज़्यादा इफेक्टिव है कौन, फ्लूइड डैम्पिंग, बट मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगेगी। यदि फ्लूइड आपने भरा है तो बड़ा केयर से रखना पड़ेगा, अदरवाइज फ्लूइड का तो काम क्या है, बहना चला जाएगा। हवा तो यहाँ पे भी मौजूद है, बिना कुछ किए मौजूद है ना, लेकिन पानी को यदि रखना है तो उसको संजो के रखना पड़ता है। तो मेंटेनेंस जो है आपके फ्लूइड डैम्पिंग में मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी, इसलिए मेंटेनेंस फ्री है। माना कि ये इफेक्टिव है बट मेंटेनेंस बहुत मांगेगी और ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वर्टिकल यदि इंस्ट्रूमेंट है तो फ्लूइड को आप यूज़ नहीं कर सकते, या जहाँ पे डायनेमिक कंडीशन से कि बार बार इंस्ट्रूमेंट को उठा पटक करनी पड़ रही हैं वहाँ पे आप फ्लूइड फ्रिक्शन जो है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। वर्टिकल में यूज़ कर पाएंगे, हॉरिजॉन्टल में नहीं कर पाएंगे। और ये वर्टिकल है तो इसमें इंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो इसकी इंक बहने के चांसेस है। तो बड़ा केयर करना पड़ता है फ्लूइड को, ठीक है। तो जहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट में यदि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो ये काम कर रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो आप फ्लूइड या एयर फ्रिक्शन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम एयर फ्रिक्शन यूज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ करते हैं, MI इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रो EMMC में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर जिसे बोलते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ वोल्ट मीटर में करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ वोल्ट मीटर्स में हम फ्लूइड फ्रिक्शन करते हैं। तो डैम्पिंग आपने क्या देख लिया, एयर डैम्पिंग देख ली, फ्लूइड डैम्पिंग देख ली। एक और है आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारा पहला मीटर PMMC। और PMMC में जो भी ये बेसिक आपने जाना है ना,
वन टू वन अप्लाई करेंगे तो ये सारा रिकॉल होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद हो गई है, वही मेरा मकसद है। ठीक है, तो डैम्पिंग में एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो वेरी इफेक्टिव है वो है एडी करंट डैम्पिंग। क्या है बच्चे? एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग है। सो एडी करंट डैम्पिंग सबसे पहली बात वहाँ यूज़ होगी जहाँ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अवेलेबल हो, हाई मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल हो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एडी करंट को। अब सर ये बताइए ये एडी करंट है क्या, एडी करंट डैम्पिंग क्या है? देखो प्यारे बच्चे, आपको एक मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपकी कॉइल्स हैं जिसमें आप करंट फ्लो करवाएंगे इनपुट, जिसे भी मेजर करना चाहें, वो सपोज इस पे ऐसे वाउंड है। ठीक है, ये वाउंड है, आप इसको आपकी कॉइल में करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, तो कॉइल जो है ये जिस पे आपने लिपटी हुई है ये उसको बोलते हैं कोर, और ये जो लिपट गई है ये है कॉइल। इस कॉइल में गया करंट। नाउ इस करंट का जो समीकरण है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है। ध्यान से देखिए, बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट को बड़ा खोल देंगे मक्खन की तरह ताकि मज़ा आए। मैग्नेटिक फील्ड में करंट आ गया। नाउ इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से क्या आ गया इन्वॉल्व? आपका मूवमेंट आ गया, इस पर मूवमेंट फोर्स लग जाएगा। तो फोर्स लग जाएगा तो ये कॉइल के साथ ये जो कोर है आपका ये भी रोटेट करेगा। अब आपने देखा है बेचारा फैराडे बोल के गया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि बाहर से एक कॉइल लाते हो बार बार, यानी कि इसका जो है फ्लक्स है जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड को बार बार आप इंटरप्ट करते हो, तो उस इंटरप्शन के कारण इसमें क्या हो जाता है? EMF प्रोड्यूस हो जाता है। बोल के गया ना आपका फैराडे गया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इनपुट जो करंट मेजर कर रहे हैं उन दोनों के कारण इस पर फोर्स एग्जर्ट हुआ, ये घूमने लगा, ये रोटेट होने लगा, इसके रोटेशन से इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कट रहा है, तो उसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इस कोर में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। वो करंट कॉस का अपोज आपका लेंस बोल के गया ना, लेंस की कारण जो कॉज है उसका अपोज होता है हमेशा। तो घूमने की वजह से ये जनरेट हुआ है, घूमने किसके घूमने? कोर के घूमने की वजह से करंट जनरेट हुआ। इस करंट को बोलते हैं एडी करंट। और इस एडी करंट का मकसद क्या रहेगा? इस घूमने को रोकना, बिकॉज एडी करंट का कॉज कौन है? इसका घूमना। तो उस घूमने को रोकना कौन रोकेंगी? एडी करंट से रोकेंगी। तो वो घूमने को रोकना जो है ना, उससे आपको पर्याप्त डैम्पिंग मिल जाएगी। पर्याप्त डैम्पिंग जब आपका पॉइंटर स्टेबल होगा वहाँ पे पर्याप्त डैम्पिंग इन एडी करंट्स की वजह से आपके पास होगी। बट ये एडी करंट तभी सीवर हो सकती है जब आपके पास गुड मैग्नेटिक फील्ड हो, हाई मैग्नेटिक फील्ड हो। आई बात समझ में? तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड आपके पास PMMC इंस्ट्रूमेंट में होती है। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं? हम एडी करंट डैम्पिंग यूज़ करते हैं। एडी करंट डैम्पिंग सबसे इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है आपके पास यदि हाई मैग्नेटिक फील्ड है। सो यूज़ एडी करंट, PMMC में एडी करंट यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये बेसिक वाली कहानी थी। अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे PMMC इंस्ट्रूमेंट, और PMMC इंस्ट्रूमेंट में ये जो सारी चीज़ें पढ़ के आए हो ये फिर से नज़र आएंगी, बेहतरीन तरीके से नज़र आएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।